टीम इंडिया वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि यह भारतीय टीम का जो पहला नेट सेशन है उसकी शुरुआत होगी फ्राइडे को, लेकिन अभी भी चिंता बरकरार है। दो बड़े प्लेयर को लेकर टीम इंडिया अभी भी काफी चिंतित नजर आ रही है। एक है आपके मोहम्मद शमी, दूसरे हैं दीपक चहर। हमने आपको जिस तरीके से बताया था कि एंकल इंजरी होने की वजह से वो ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए, यानी कि दीपक चहर। अब खबर ये भी आ रही है कि मात्र एंकल इंजरी नहीं है बल्कि उनको बैक प्रॉब्लम भी है, हालांकि इतना सीरियस नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो ऑलरेडी एनसीए पहुंच चुके हैं और शमी के साथ वहां पर अपने फिटनेस पर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये इस समय आ रही है कि दीपक चहर और शमी को दोनों को अब फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की रवानगी से पहले इन दोनों को फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है। और अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेंगे तो फिर ये नहीं जाएंगे, भारतीय टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि शमी को लेकर चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कई सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या शमी भारतीय टीम के साथ ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अब अचानक ही दीपक चहर के बारे में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि एंकल इंजरी है, लेकिन अब इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि बैक प्रॉब्लम भी है। इससे पहले आप देखें तो अर्शदीप को भी बैक प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो बहुत माइनर थी और वो रिकवर करके चले गए। दीपक हुडा को भी हुई, वो भी रिकवर करके चले गए। इसीलिए वी आर वेरी पॉजिटिव, हमें लगता है कि ये माइनर सी प्रॉब्लम है जिसको कि रेक्टिफाई समय रहते हुए कर दिया जाएगा। दीपक चहर और शमी दोनों ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम के साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन इन दोनों को फिटनेस टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद ये टीम इंडिया के लिए रवानगी भरेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन अब देखना दिलचस्प इस बात को लेकर होगा कि किसको रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया जा रहा है, क्योंकि शमी के बारे में कहा जा रहा है कि फ्रंट रनर जरूर है, लेकिन कई सारे लोगों का मानना है कि हो सकता है कि उमेश यादव के नाम पर भी चर्चा हो जाए, उनको भी यू नो रिप्लेसमेंट के तौर पर ले लिया जाए, क्योंकि शमी ने अब तक फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया है। तो जब अगर यू नो पहले फिटनेस टेस्ट पास करेंगे उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि क्या शमी जो है वो टीम इंडिया को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके बारे में भी कोई अगर अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी ऊपर वाले से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ये दोनों फिटनेस टेस्ट पास कर जाए, दीपक चहर के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो और भारतीय टीम के साथ ज्वाइन कर ले, ताकि टीम इंडिया के पास ऑप्शन और कैंपेन हमारा वर्ल्ड कप का अच्छा हो। आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।